बीजेपी के लोगों को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। कितना बेइज्जती हो रही है, इनके लोग जो है जो वोट दिए हैं वो हंस रहे हैं इन पे। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं आपके साथ रंजन सिंह। आपको बता दें कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार 2 दिनों से दौरे पर है। आपको बता दें कि MLC चुनाव है, 2400 सीट पर तमाम जो प्रत्याशी हैं वो नामांकन करवा रहे हैं और इसी को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज नवादा, नालंदा, बेगूसराय, पूर्णिया पहुंचे थे और जब आज शाम पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं और जब यह सवाल किया गया कि आखिरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष को कहा कि आपको संविधान की जानकारी नहीं है, इस तरह की बातें विधानसभा अध्यक्ष को मुख्यमंत्री ने कहा, तेजस्वी यादव ने कहा कि ये मर्यादा का तार तार हो गया है और जिस तरीके से नेता सदन और हम लोगों के जो कस्टोडियन हैं विधानसभा अध्यक्ष, उनको इस तरीके से कहा गया, सदन के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। क्या कुछ कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, सुनिए उनके। नीतीश कुमार का गुस्सा कैसे देख रहे हैं? कैसे देखते हैं जो हुआ अचानक विधानसभा के अध्यक्ष पर ही ऐसे भर जाना और कहना कि आप सिर्फ एक क्षेत्र की बात नहीं है लखीसराय की? तार तार हम लोग इस चीज को लेकर के आज तक हम लोगों ने देश में कहीं भी किसी भी विधानसभा में हम लोगों ने नहीं देखा था कि सदन का नेता जो हाउस ऑफ द कस्टेडियन है, स्पीकर होता है, उसको जो है उंगली दिखा दिखा, क्या कितना घटिया बॉडी लैंग्वेज था। और जो कौन होते हैं आप, ऐसे नहीं चलेगा, क्या क्या नहीं बोले, संविधान खत्म कर मतलब हत्या कर रहे हो आप, क्या क्या आरोप प्रत्यारोप जो है हम लोगों ने जो दृश्य देखा, ये मर्माहत करता है। इस लोकतंत्र की धरती पर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, आप बताइए। इसमें तो हमने पहले भी कहा, इसमें तो मुख्यमंत्री को जो है आकर के माफ़ी मांगनी चाहिए थी। और इस वजह से कितने मर्माहत हुए स्पीकर, चाहे जो भी बात हो, हम लोग भी आज तक जो भी स्पीकर हैं तो एक लहजे में, कभी कोई बात बुरी भी लगी तो एक लहजे में, एक सम्मान पूर्वक तरीके में बोलना चाहिए। बीजेपी भी बोल रही है कि उन्होंने गलत किया है। बीजेपी के लोगों को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। कितना बेइज्जती हो रही है, इनके लोग जो है जो वोट दिए हैं वो हंस रहे हैं इन पे। ये लोग तो दिख ही रहा है सब लोग, ऐसे बीजेपी के लोगों को आप समझिए कि कितना अपमानित किया जा रहा है और बीजेपी के लोग उनको अपमानित कर रहे हैं। तो क्या करें, क्या जिल्लत नहीं करना चाहिए, हटना चाहिए? हम वो नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि आपको बार बार अपमानित किया जा रहा है, आपके लोग चीख चीख करके चिल्ला रहे, हमारी कोई नहीं सुनता। तुम सरकार में, तुम्हारे 2 उपमुख्यमंत्री हैं, तुम्हारी बड़ी पार्टी नीतीश कुमार जी से है और तुम जो अपमानित हो रहे हो, चुल्लू भर पानी में डूब मरी।